हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विद्युत कर्मचारी में रोष, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्थान सरकार की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर बोनस दिए जाने संबंधी घोषणा या आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जबकि दीपावली में केवल 8 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में विद्युत कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इस पर सरकार के नाम ज्ञापन में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्मिकों को दीपावली के पर्व पर बोनस दिए जाने के आदेश प्रसारित करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो विद्युत कार्मिकों को 10 नवंबर से आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना काल में प्रदेशवासियों की सेवा में महामार्च 2020 से अनवरत विद्युत आपूर्ति के कार्य को बखूबी अंजाम दिया गया है। इस दौरान कई विद्युत कर्मचारी कोविड से ग्रसित होकर काल के ग्रास में समा गए। बावजूद इसके राज्य सरकार ने विद्युत कार्मिकों को कोरोना वॉरियर नहीं माना। इसके विपरीत राज्य में महामार्च 2020 में विद्युत कार्मिकों का 50% वेतन स्थगित कर दिया तथा वर्तमान में प्रति माह 1 दिन का वेतन काट रही है। ऐसे में विद्युत कार्मिकों के महामार्च 2020 में स्थगित किए गए वेतन का भुगतान दीपावली के पर्व पर करने के आदेश प्रसारित करने की मांग के साथ प्रति माह काटे जा रहे वेतन पर रोक लगाने के आदेश प्रसारित जारी करने की मांग की है। आज हम लोग यहाँ दीपावली के बोनस की मांग को लेकर के एकत्रित हुए हैं और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी मांग है कि मार्च माह में बिजली के कर्मचारियों का वेतन रोका गया था और लगातार अनवरत 1 दिन का वेतन काटा भी जा रहा है। बिजली का कर्मचारी जब से कोरोना महामारी 19 मार्च से घोषित हुई है तब से लगातार अनवरत अपने कर्तव्य पथ पर अरूढ़ है और लगातार किसी भी प्रकार की बिजली बाधा उत्पन्न नहीं हुई। इस कोरोना काल में कई हमारे तकनीकी साथी, यहाँ तक कि एक अधिशासी अभियंता भी कोरोना से ग्रसित होकर काल के ग्रास में समा गए। बावजूद उसके राज्य सरकार द्वारा हमारे बिजली के कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना वॉरियर घोषित करके उसका जो लाभ वो नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी मांग है, एक तो हमारा मार्च माह का रोका गया वेतन वापस पारित किया जावे, उसके साथ ही जो एक एक दिन का वेतन प्रतिमाह काटा जा रहा है उसको तत्काल बंद किया जावे, साथ ही सभी बिजली के कर्मचारियों अधिकारियों को कोरोना वॉरियर घोषित किया जावे और जो बीमे की राशि 50 लाख की है उसका भुगतान करवाया जाए। तकरीबन 10 से 15 लोग ऐसे राज्य भर में काल के ग्रास में समा चुके। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।